हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हमने 4 पार्ट में कवर किया हुआ है। इस मॉडल को चारों पार्ट में हमने इसे कवर करके इसमें सभी चीज़ का सभी पार्ट्स को शो किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चर दिख रहा है, इंडस्ट्री शो किया हमने। इंडस्ट्री में कोई भी सामान अगर मैन्युफैक्चर होता है तो उसके लिए आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, आगे कस्टमर तक पहुंचने के लिए, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर हमने दिखाया हुआ है मॉडल में। आप देख रहे हो इंडस्ट्री का सीन क्रिएट किया हुआ है। पीछे इंडस्ट्री है, चिमनी लगी हुई है, कुछ वर्कर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, क्रेन ट्रक लगे हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री का सीन बैकग्राउंड में अब आप देख रहे हो, इंडस्ट्री का सीन बनाए हुए हमने। और सेकेंड स्टेज में हमने दिखाया है कि पहले आप देख लो एजेंट है, तो इंडस्ट्रीज कोई सामान अगर बनता है तो एजेंट और होलसेलर के बीच में कुछ डील होती है, अदरवाइज या तो एजेंट होलसेलर के पास जाता है तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है तो आप उसको आगे सेल आउट करो। तो ये होलसेलर शो किया हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो कि होलसेलर है, होलसेलर बल्क में कोई भी सामान एक बार में बाय कर लेता है इंडस्ट्री से, उसके बाद वो आगे रिटेलर को सेल आउट करता है, फिर रिटेलर कस्टमर को। तो आगे वो हम आगे दिखाएंगे आपको। पीछे दिख रहे हो बैकग्राउंड में होलसेलर का सीन दिखाया हुआ है हमने, और यहाँ पे सामान भी कोई भी सामान बल्क में दिख रहा है आपको। पीछे यहाँ पे हमने एक क्रेन भी है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम फोर्कलिफ्ट बोलते हैं, जो कि इंडस्ट्री में मतलब होलसेलर जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ ज़्यादा सामान ऊपर नीचे करने के लिए यूज होता है, तो वो हमने बैकग्राउंड शो किया है। फिर थर्ड स्टेज आप देख रहे हो, थर्ड स्टेज में हमने रिटेलर दिखाया है, रिटेल शॉप दिखाया हुआ है, रिटेल स्टोर दिखाया हुआ है। आप देख रहे हो स्टोर है, रिटेल स्टोर दिखाया हुआ है हमने यहाँ पे, जितने भी आपको रिटेल स्टोर है ये सब क्या करता है, होलसेलर से सामान वहाँ से बाय करता है, डायरेक्ट इंडस्ट्री से बाय नहीं करता है, ये सब प्रोसेस होता है इस बीच में जो भी होता है हमारा। तो ये चीज़ शो किया हमने। बाकी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में भी हमने रिटेल शॉप किया है। अब लास्ट स्टेज में हमने शो किया है, लास्ट स्टेज आप देखो फोर्थ स्टेज में शो किया है, कस्टमर भी शो किया है, जो कस्टमर मैन के फोर्थ स्टेज में कस्टमर शो करना जरूरी है था, तो जो कस्टमर शो किया है। पीछे कुछ शॉप दिखाया है हमने आप देख रहे हो, और साथ में कस्टमर भी शो किया है, कस्टमर बाय कर रहा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह काम करता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर के बाद वो सामान एजेंट के पास जाता है, एजेंट आगे होलसेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं, होलसेलर को आगे बताते हैं हमारे पास ये चीज़ मैन्युफैक्चर हुआ तो आप इसे लो और आगे सेल करने के लिए रिटेलर के देते हैं। ये रिटेलर शॉप हो गया, फिर रिटेलर से आगे कस्टमर के पास जाता है। तो ये हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट मॉडल है। तो फ्रेंड्स बताइए कैसी लगी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी अगर मॉडल आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो जाइए और वहाँ से देख सकते हो। बीएड के अलग चैनल बने हुए हैं, मतलब प्लेलिस्ट अलग बीएड के लिए अलग है, स्कूल के लिए अलग है, मैकेनिकल के लिए अलग है, तो आप अलग अलग जो आपको जिससे आप इंटरेस्टेड हो तो वो आप वॉच कर सकते हो इंडिविजुअली। तो फ्रेंड्स बताइए कैसी लगी कंप्लीट प्रोजेक्ट ये, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का एजुकेशनल वीडियो का हेल्प मिल पाए और वो भी अपनी स्कूल कॉलेज के लिए बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत